मुद्दा देश में वैश्विक तौर पे कोरोना वायरस लॉकडाउन का चल रहा है ऐसे जो विपरीत दौर में किस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य में आप लोगों ने पूरी चीज़ें कोऑर्डिनेट की जब दूसरे राज्यों से मजदूर पैदल चलते हुए आ रहे थे अचानक लॉकडाउन हुआ किस तरह से पूरी प्रॉब्लम को आप लोगों ने फेस किया है और उनको किस तरह की सहायता उपलब्ध कराई गई देखिए जब पहली दफा लॉकडाउन वन प्रारंभ हुई उस समय की याद करिए कि बड़ी संख्या में जो श्रमिक पैदल पैदल अपने अपने गंतव्य राज्य के लिए स्थान के लिए निकल पड़े थे ये सबसे बड़ी चुनौती हम सब के लिए थी छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा किया कि जो भी मजदूर भाई बहन जो छत्तीसगढ़ से दूसरे स्टेट में प्रांत में गए हुए हैं वो भूखा ना सोए चाहे वो छत्तीसगढ़ के अंदर प्रवासी मजदूर हो दूसरे राज्य के हो अपने हो या अपने राज्यों के जो मजदूर भाई बहन हैं जो दूसरे राज्यों में गए हुए थे तो ये सबसे पहले एक संकल्प हम सबके लिए था कि हमारे जो है मजदूर भाई बहनों को भूखा ना सोए इसको सुनिश्चित किया जाना है तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी और हम लोगों ने तुरंत 24 घंटे के हमारे जो हेल्पलाइन नंबर हम लोगों ने जारी किया और आज सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिव है मजदूर भाई बहन स्वयं भी हम लोग से संपर्क किए बहुत सारे माध्यमों से भी हमें जानकारी प्राप्त हुई सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हुई ट्विटर कहे फेसबुक कहे व्हाट्सएप कॉल कहे व्हाट्सएप मैसेज कहे हेल्पलाइन नंबर ये सब के माध्यम से लगभग तीन लाख लग भाई बहनों ने हमें संपर्क किया उस दौरान और इनके लिए अन्य राज्यों के साथ समन्वय करके उनके रहने का व्यवस्था वो जहाँ थे वहाँ आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना खाने पीने का व्यवस्था और मुख्य रूप से राशन की व्यवस्था ये हम लोग के द्वारा की गई इसी के साथ साथ तात्कालिक रूप से बहुत भाई बहनों को नगद राशि का भी आवश्यकता थी जो छत्तीसगढ़ शासन ने उनको उनके आवश्यकता के अनुरूप दिया और हम उनको ये भरोसा दिया कि छत्तीसगढ़ शासन उनके साथ खड़े है और उनके जो दिक्कतें हैं लॉकडाउन पीरियड में वो दिक्कतें दूर करने के लिए हमारे जो टीम है वो लगभग जो है पूरे समय जो है उनके संपर्क में रहे लॉकडाउन जैसे ख़त्म हुआ ख़त्म होने के बाद आपको याद होगा कि 20 अप्रैल के बाद जो प्रवासी मजदूर हैं उनको प्रवासी मजदूर ही नहीं स्टूडेंट्स या तीर्थयात्री जो अन्य कारणों से फंसे हुए जो लोग हैं उनको अपने अपने राज्य जाने के लिए अनुमति प्रदान की गई तो ये वापसी वाला भी बहुत बड़ा एक चुनौतीपूर्ण कार्य था और क्योंकि इस समय और कोई यातायात की व्यवस्था नहीं होने के कारण तो जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है उसके माध्यम से उनको लाने का व्यवस्था किया गया और इसके लिए भी सभी श्रमिकों से संपर्क करना और उनके लिए हम लोग ने यहाँ पे ऑनलाइन व्यवस्था भी की थी ताकि वो आने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ फ़ोन करके अपने बारे में बता सकते हैं पता बता सकते हैं तो ये सूची तैयार करना उन को संपर्क करना उनको एकत्रित करना उनका स्क्रीनिंग करना स्क्रीनिंग करके ट्रेन का शेड्यूल करना और उनको लाना लाने के बाद फिर से क्वारंटाइन सेंटर ले जाना और सारे व्यवस्था करके घर तक पहुँचाना ये सकुशल पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक चुनौतीपूर्ण कार्य था हैदराबाद तेलंगाना जैसे राज्यों से मजदूरों को स्पेशल बस यही नहीं फ्लाइट के माध्यम से भी मजदूरों को लाया गया ऐसे कुछ मजदूर परिवार थे जो पहली बार फ्लाइट में बैठ कराया थे तो ये किस तरह की व्यवस्था की गई दूसरे राज्यों से कोऑर्डिनेशन में किस तरह से आप लोग इसमें काम किए जी मैंने जैसे कहा कि जब हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुई लगभग तीन लाख लग लोगों ने आने के लिए अर्जी दी लेकिन आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं लगभग 6.5 लाख लोग जो है छत्तीसगढ़ में आ चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग एक्चुअली वापस आए हैं 1 लाख 54000 ट्रेन से आए लेकिन इसके अलावा बड़ी संख्या में जो है लोगों को बस से लाना पड़ा क्योंकि ट्रेन हर जगह से चलाना संभव नहीं था मैं मानता हूँ कि श्रमिकों के हित में जो शासन और प्रशासन द्वारा एक समन्वित प्रयास है ऐसे ही उनको खाने पीने का व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन ने आपको याद होगा लॉकडाउन के समय एक ही सात दो से तीन महीने की मुफ्त राशन भी उपलब्ध कराए और जो उनको आवश्यकता थी वो सारी आवश्यकताएँ जो है उनमें पूर्ति की गई और आज भी चाहे वो पी के माध्यम से हो या अन्य जो तात्कालिक उनका आवश्यकताएं हैं हमारे श्रम विभाग में एक ई का भी सेवा है जिसमें हमारे 42 टू डिस्पेंसरीज है उन डिस्पेंसरीज भी हमने खुला रखा और जिन मजदूर भाई को तत्कालिक चिकित्सा सेवा की आवश्यकता थी दवाओं की आवश्यकता थी इस लॉकडाउन पीरियड से हम ले ले तो लगभग एक लाख पंद्रह हज़ार श्रमिकों को इस दौरान ओ में उनका चिकित्सा सेवा दी गई है आ, सर तमाम मसलों पे बात हुई है एक अंतिम सवाल था सर क्योंकि अब तमाम चीजें निकल गई हैं अब जो लौट चुके हैं उनको रोजगार देने की बात भी थी जिसमें भी आपने बताया है लेकिन इस दरमियान एक चीज देखने को मिली जो लेबर डिपार्टमेंट के सामने चुनौती थी कि बड़ी संख्या पे जो लेबर जो काम करते चाहे दूसरे राज्य से यहाँ आते हो

और हमारे पास एक आंकड़े हैं हम जानते हैं कि कितने लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में खास करके बीओसी वर्कर है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने लोग हैं ये आंकड़े हैं लेकिन ये आंकड़े हमारे पास हमेशा उसमें मिसमैच था कि कितने लोग एक्चुअली बाहर गए हुए हैं और किस काम में गया हुआ है इस लॉकडाउन पीरियड में जिन लोगों ने हमसे संपर्क किया और अभी जब घर वापसी किया है इनका पूरा डाटाबेस हमारे पास बन गया है ये जो छः लाख लोग हैं इनका पूरा डाटाबेस हमारे पास है हम जानते हैं कि वो किस काम से गए थे और इसमें भी कैटेगरी हम देख सकते हैं कि कुछ लोग बेसिकली सीजनल वर्क के लिए जाते हैं जैसे खेती किसानी जैसे ख़त्म हो जाता है हार्वेस्टिंग टाइम होता है देन उसके बाद वो काम के लिए निकल जाते हैं और खेती किसानी के लिए फिर से अप्रैल में जून में वापस आते हैं एक ये तबका है एक बड़ी कैटेगरी है जो इतभट्ट में काम करने जाते हैं वो खास करके यूपी गुजरात इवन जम्मू का कश्मीर में भी हमने देखा वहाँ तक भी जाते हैं त्रिपुरा तक भी जाते हैं तो ये एक बड़ी संख्या में है जो एक्चुअली इसी काम के लिए जाते हैं और बाद में फिर से घर वापसी करते हैं तीसरा एक और कैटेगरी है जो साल दो साल में ही गया है और वो साल दो साल में वापस आते हैं लेकिन एक और कैटेगरी है जो सालों साल एक्चुअली बाहर में रह रहे हैं और वो उन प्रदेशों में जो है श्रम शक्ति के रूप में उनके विकास में आ, बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं खास करके आप देखेंगे यूपी का ले लीजिए जम्मू की बात ले लीजिए बहुत सारे स्टेट में ये बड़ी बड़ी संख्या में है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि छत्तीसगढ़ में आ, आ, जो अच्छा व्यवस्था की गई हो सकते इस कारण से भी कहे या उनको घर की याद सबको ऐसा संकट के समय आती है ऐसा लोग भी जो 10 साल 15 साल से भी बाहर है उन्होंने भी जो है घर की और वापसी की है वो बड़ी संख्या में है और मैं मानता हूँ कि ये फिर से वापस जाएंगे और क्योंकि श्रम शक्ति तो ऐसा है कि वो अपना हुनर के कारण वो मोबाइल होता है वो एक ही जगह में नहीं रहेगा लेकिन सरकार का ये कोशिश है कि जिनको आवश्यकता है हम सोच रहे हैं कि एक तो सर्टिफिकेशन के काम क्योंकि उनके पास हुनर ऑलरेडी है लेकिन सर्टिफाइड नहीं है तो एक सर्टिफिकेशन के काम हमें करना चाहिए जो हम लोग अभी करना प्रारंभ कर रहे हैं दूसरा बहुत लोग तो रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड नहीं है और ये पहली बार मालूम हुआ कि बाहर रहते हैं लेकिन हम उसे रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन ये बात भी सही है बहुत सारे छत्तीसगढ़ के मजदूर जो है दूसरे स्टेट में भी रजिस्टर्ड है तो वो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है लेकिन जो लोग छत्तीसगढ़ में रहना चाहते हैं यही काम करना चाहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन का सुविधा अभी दी गई है और हम लोगों ने इस कठिन समय में सेल्फ डिक्लेरेशन को भी आप यदि खुद क्लेम करें कि मैं क्योंकि बीओसी वर्कर के लिए जैसे बाध्य है कि वो 90 डेज का सर्टिफिकेट लाना जे. होता है कि वो उन्होंने तो काम किया है बट इस समय हम लोगों ने ये छूट दिया है यदि स्व हस्ताक्षर युक्त एक कागज़ दे देते कि सर्टिफाई करते उसको ही मानेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने से उनको बाकी जो फायदा है वो उनको मिलेगी एक एक साल के लिए छूट दी गई है और तीसरी बात है जिनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है उनको ट्रेनिंग का भी आजीविका कौशल उन्नयन का भी हम व्यवस्था कर रहे हैं जो बड़े बड़े संस्थाएँ हैं जैसे एन है ये बड़े बड़े काम जो है करते हैं इनके साथ भी हमारा एम होने का बातचीत चल रही है तो हमारे और आने वाला समय में जैसे जैसे भर्ती के लिए रोज़गार मेला होता है इसी प्रकार जो है हमारे जो श्रम शक्ति है उनका स्किल मैपिंग के आधार पे हम लोग इंडस्ट्री के साथ और इस जो बड़े बड़े संगठन हैं इनके लिए रोज़गार रैली या मेला टाइप का हम लोग व्यवस्था करेंगे जो वहीं से रिक्रूट हो सकता है उनको बेहतर जो है पैकेज मिलेगी और उनका जो सोशल सिक्योरिटी है वो हम लोग यहाँ से से उनको करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि जो ने बताया है कि ये जो पूरा काम था पूरा चैलेंजिंग एक समय था जिस दौरान एक व्यक्ति को भी नहीं पता था कि सामने वाला उससे मिलने वाला कोरोना पॉजिटिव भी हो सकता है हर किसी को एक दूसरे से मिलने में भी डर लग रहा था और उस विपरीत दौर में जाकर कर इस तरह का काम कर लेना और खासकर दूसरे राज्यों से जो लेबर आ रहे हैं उनको यहाँ पर रखना उनको सही तरीके से व्यवस्था कराना और उनको रोजगार मुहैया कराना कहीं ना कहीं एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम था और इस पूरे काम को बखूबी इस तरह के जो कोरोना वॉरियर से इन लोगों ने अंजाम दिया है इनकी पूरी टीम लगी हुई थी यही नहीं भारतीय क्रॉस सोसाइटी की भी टीम ने वॉलेंटियर के साथ जा जाकर गांव गांव में लोगों को जागरूक किया है और सबसे बड़ी बात अबरा जी ने जो बताई है कि आने वाले समय में जिस तरह से रोजगार देने के लिए इनका प्लान है कि मजदूरों को बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन करके उनको स्किल मैपिंग की जाएगी और सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से उनको बड़े लेवल पर रोजगार देने की तैयारी की जा रही है निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में ऐसा एक देश का एक ऐसा अनूठा मॉडल बन सकता है जिसे आने वाले समय में दूसरे राज्य भी फॉलो कर सकते हैं कैमरामैन साहू के साथ मयम ठाकुर भारत रायपुर